अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। होप एवरीवन इज़ फाइन। आज मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको कैमरा की बेसिक्स बताऊँगी। अगर आप न्यू हैं फोटोग्राफी में तो आपको तीन चीज़ें सीखना लाजमी है अबाउट द कैमरा, अपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO। तो मैं आज आपको बताऊँगी व्हाट इज़ अपर्चर। अपर्चर इज़ हाउ बिग द ओपनिंग इज़ एंड दिस अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर द डेप्थ ऑफ फील्ड। इसका मतलब है कि लेंस में कितनी ओपनिंग होगी और वो मेजर करेगी कितनी लाइट जाएगी हमारे कैमरा में लेंस के थ्रू। अपर्चर बेसिकली कैमरा में नहीं बल्कि लेंस में होता है। आसान लफ्ज़ों में ये है कि कैमरा में जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है उसको अपर्चर बोलते हैं। लेंस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को डेप्थ ऑफ फील्ड में मेजर किया जाता है। जैसा कि अगर F16 है, ये जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं F16 है, तो इसका होल थोड़ा सा खुला हुआ है, इसका मतलब कि थोड़ी लाइट हमारे कैमरा में एंटर हो रही है। और इसी तरह F11 पे थोड़ा ज़्यादा खुल रहा है। और इसी तरह जैसे जैसे हमारे जो एफ पॉइंट कम होते जाएंगे उतना ज़्यादा होल खुलता जाएगा। इसका मतलब है कि इतनी ज़्यादा लाइट हमें लेंस के थ्रू कैमरा में मिलेगी और हमारी पिक्चर उतनी ही ब्राइट आएगी। जितना हम एफ पॉइंट ज़्यादा करेंगे हमारा लेंस का होल उतना थोड़ा खुलेगा। तो चलिए मैं आपको कैमरा से एग्जांपल देती हूँ। देखिए 1.8 है, 1.8 है तो इसमें अच्छी खासी लाइट है और बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। तो जैसे ही मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ एफ़ पॉइंट, लाइट जो हमारी कम होती जा रही है बिकॉज कैमरा का जो लेंस का जो होल है वो कम खुलता जा रहा है और पीछे से बैकग्राउंड बिल्कुल विजिबल नज़र आ रहा है, जो लाइट्स हैं बिल्कुल विजिबल नज़र आ रही हैं। इसी तरह अब हम जब डिक्रीज़ करेंगे इसका मतलब है कि हमारे लेंस का जो ओपनिंग है अपर्चर वो ज़्यादा खुल रहा है, ब्लेड ज़्यादा खुल रही हैं, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारे कैमरे के सेंसर को हिट कर रही है। तो आपको समझ आ गई होगी कि अपर्चर दो चीज़ों को कंट्रोल करता है, द अमाउंट ऑफ लाइट और कितना आपको बैकग्राउंड ब्लर रखना है या कितना विजिबल रखना है, वो एफ पॉइंट पे मेजर होता है। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या करती है, हमारे बैकग्राउंड को ब्लर करती है, जिसको बोका भी बोलते हैं और बोके भी बोलते हैं। ये जापानीज़ वर्ड्स है, डिफरेंट लोग डिफरेंट नेम्स यूज़ करते हैं और इसकी तो मैं ख़ुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि मुझे बैकग्राउंड ब्लरी क्रीमी बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे 1.8 है तो हमारा बैकग्राउंड ब्लर होगा और लाइट बहुत ज़्यादा आएगी, सेंसर पर हिट करेगी थ्रू द लेंस। और फिर देखिए 2.8 है तो भी थोड़ा सा विजिबल होने लग गया है, 4.0 पे थोड़ा सा, और फिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो F14 पे ज़्यादा विजिबल होने लग गया है। तो जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स हैं वो मोस्टली लो एफ स्टॉप यूज़ करते हैं, मतलब जो होता है एफ पॉइंट लो यूज़ करते हैं, अराउंड 1.2, 1.4 एंड 1.8। और जो लैंडस्केप फोटोग्राफर्स हैं, इसी तरह जो लैंडस्केप फोटोग्राफर्स हैं वो हायर एफ पॉइंट यूज़ करते हैं, अराउंड F4, F10, F11, 14 और 22, ताकि उनकी जो पिक्चर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आए, क्लियरिटी हो और कुछ भी ब्लरीनेस ना हो। होपफुली आपको अपर्चर के बारे में आइडिया हो गया होगा कि किस तरह काम करता है अपर्चर एंड एफ पॉइंट। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन द फ्यूचर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।